चले सामने आए ना, आप शर्माने में क्या बात है, आप आ जाए सामने। इंसान पहले मेरा फ्रॉक देखे आप, कितनी प्यारी लग रही हो आप इस फ्रॉक में। वो भैया क्या है? मेरा नाम शाजिब जावेद है और मैं इस्लामाबाद का रहिशी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है पेट्रोलियम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्लामाबाद में करे थे मरगला इसके पास, तो एक फ्रेंड ने वीडियो बनाई, कहता है यार लड़की की वॉइस में बात करे, 200 से 500 रुपये निकलवाना है। तो मैंने कॉल भी बात की उससे और मैंने कहा जान पैसे भेज दें, मुझे पैसे चाहिए। और बस वो वीडियो मैंने फेसबुक पर अपलोड की और वहाँ से शेयर की कुछ ग्रुप्स में, तो वहाँ से एक नुमान नाम का लड़का था उसने शेयर की टिकटॉक पे। और मैं रात को जिम गया और मैसेज आया कि हैप्पी भाई आपके एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है लड़की वाली वॉइस में, 1.5 मिलियन व्यूज़ चल रहे हैं। मैंने कहा और ज़बरदस्त। फिर वो मैंने उसको खोज किया, उसका नंबर निकलवाया मैंने, नुमान मलिक का नाम था। और उन भाई से मैंने बात की कि यार मेरी और वीडियोज़ लगा दो सर। फिर उसने मेरी 2-3 वीडियोज़ लगाई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने पेज पर लगाई, टिकटॉक पर लगाई, तो वहाँ से मैं वायरल होना स्टार्ट हुआ। मेरे भी टिकटॉक यूज़ करती हूँ 3 महीने हो चुके हैं मुझे, और टिकटॉक पे मेरे भी 6 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं और 10 मिलियंस लाइक्स आ चुके हैं मुझे 3 महीने में। मुझे ज़्यादा से फेम जो है वो टिकटॉक से मिला है, और फेसबुक से कुछ भी नहीं है, और इंस्टाग्राम पे है, और जस्ट टिकटॉक और इंस्टाग्राम। जो दोस्त होते हैं दूसरी कॉल पे, आयशा बनता हूँ जो मैं भी, वो मेरे फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी साइड पे जो होता है कॉल पे वो मेरा फ्रेंड होता है, उसको मैं कहता हूँ कि यार आपने एक्टिंग करनी है, तो जस्ट वो एक्टिंग करता है, तो फिर मैं सामने को आयशा बात करूँ, जान कैसे आप, फिर ये एक्टिंग करके मैं उनके साथ प्रैंक करता हूँ। क्योंकि आजकल का जो दौर है 2020 चल रहा है, 99% कुछ डिप्रेशन में है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के खुश होते हैं कि यार आपकी वीडियोस बहुत मज़े की हैं और इन्जॉय करते हैं। जस्ट लोगों की स्माइल के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैंने 2012 से पहले लोड भी खाया है, गिफ्ट भी खाया है, मोबाइल भी लिए लोगों से, और लड़की बन के, और ज़्यादा तो खुद गिफ्ट लेने। वो कहते थे यार अमना किधर है, और वो अमना मैं कहता था वो कॉलेज की आज नहीं आई, उसे बात करवा दूँगा। फिर मोबाइल लेके एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सदर से लड़का आया मुझसे मिलने के लिए, और कहते यार आज पैसे नहीं थे, मैं छत से सड़िया उठा के बेच के गिफ्ट लेकर आया अमना के लिए। तो बस इंटरटेनमेंट करता था लोगों को। सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं आपके पास टाइम नहीं रहता, आपको अपने फ़ैन को मैसेज देना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है, और उनके कमेंट्स रिप्लाई करने पड़ते हैं। अच्छे फ़ैन भी होते हैं, बुरे फ़ैन भी होते हैं, हेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हेटर्स ऐसे हैं कि गालियाँ भी देते हैं मुझे, फिर मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे जाओ, मेरे चैनल पे जाते हैं, वहाँ पे फुल वीडियोज़ देखते हैं, वो देखता हूँ कि मेरा फ्रेंड है। मुझे तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, टिकटॉक की वजह से बहुत प्यार मिला है। जहाँ पे जाता हूँ वो देखो जी हैप्पी भाई आ रहे हैं, कोई आयशा बोलता है आयशा, वो मेरी वीडियोज़ में ना आयशा बना होता ना मैं, लोग बहुत प्यार देते हैं। कल भी मैं इसी तरह पिंडी में गया और रोड पे खड़ा तो उसने शॉप पे ले गया, भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मेरी ऐसी वीडियोज़ हैं जो पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा वीडियो, जस्ट लोगों की स्माइल के लिए। और यही कहूँगा कि बहुत प्यार मिलता है टिकटॉक पे, आप ऐसा कॉन्टेंट लेकर आएँ जिससे आपकी पहचान बने, लोग आपको पहचाने कि यार ये भी बंदा कोई है, इसमें टैलेंट बॉय है, टैलेंटेड है। तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर लोग बैठे हुए घरों में कुछ नहीं अपलोड करते, कुछ फैमिली इशू हैं, कुछ रिलेटिव, दुनिया क्या कहेगी। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी वीडियो भी लगाएंगे तो भी वायरल हो सकती है, और जैसे ही लगाएंगे वायरल होगी, पर आपका टैलेंट शो होगा, आज नहीं तो कल आपकी वीडियो वायरल हो सकती है जिससे आपकी पहचान बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हेटर्स भी मेरे बहुत हैं और चाहने वाले भी बहुत हैं। हेटर्स ये कहते हैं वो देखो जी फीमेल शीमेल जैसे भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हेटर्स मेरे बहुत हैं, अच्छे भी चाहने वाले भी हैं और बुरे लोग भी बहुत हैं, प्यार करने वाले भी बहुत हैं। ज़्यादातर फीमेल्स कहती हैं बहुत अच्छे लग रहे हो इस फ्रॉक में, बहुत अच्छे लग रहे हो, अगली वीडियो फ्रॉक में पहनी है, आप साड़ी में कब बनाओगे, लाइक लोग जस्ट हंसते हैं कि यार बहुत अच्छी वीडियोज़ है। और मेरे घर वाले में अम्मी मुझे सपोर्ट करती हैं, अम्मी कहती हैं बना लो कोई बात नहीं, वाले सब शोर करते हैं कि यार लोग बोलेंगे क्या बना रहे हो, क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो, कुछ शर्म होती है, हया होती है, तो मैं इग्नोर करता हूँ, एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकालता हूँ। मैंने क्या बनाना है, लोगों को खुश करना है, और लाइफ का मकसद ये कि आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा खुश हो। हम ये चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी और के फेस पे स्माइल आ जाए। कुछ लड़के हैं वो लड़कियों को बैलेंस करवाते रहते हैं, उनके अंदर से फिर वो आयशा की जगह हैप्पी बाय निकलता है, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, जस्ट लाइक मैं प्रैंक करता हूँ और लोग भी आपके साथ प्रैंक करते हैं, सो प्लीज़ देखे बगैर किसी को लोड मत करवाएं।
मुझे पता है पाकिस्तानी लोगों के दिल बहुत बहुत बड़े हैं, लोहड़ियों के दिल बहुत बड़े हैं। 5-5 लाख रुपए भेजते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे दोस्तों ने पैसे खाए हैं आयशा बन के, हमना बन के। सो आप लोग किसी को बैलेंस मत भेजें, ना लड़कियाँ किसी को कराएं, क्योंकि आजकल ये सीन चल रहा है लड़के लड़कियों से बैलेंस खाते हैं। सो मैं उनसे भी कहूँगा कि किसी को 1 रुपया भी ना भेजें, अपने पैसे अपने पास रखें, और लव शव वेस्ट ऑफ टाइम। ज़्यादा मुझे प्यार जो मिल रहा है पाकिस्तान का जो सिटी है लाहौर, लाहौर से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। लाहौर कराची टॉप 2 पे हैं। और तीसरा जो सीन है पिंडी से भी बहुत प्यार आ रहा है, इस्लामाबाद से प्यार आ रहा है। अदर कंट्रीज़ में दुबई है, सऊदी अरब है, और यूके इंग्लैंड, यहाँ से मुझे बहुत प्यार आ रहा है। स्टेट व्यू का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया, और मुझे बहुत खुशी हुई इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और टाइम दिया। थैंक यू सो मच।